ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने, ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, निकालो जेब से देखो, नकली मार लो, बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है, संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था, देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है, इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो यह है माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। अरे माननीय सभापति जी, जिस पार्टी की बुनियाद ही संविधान की हत्या से, रिश्ते खून से बनी हो, वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात करे तो गले नहीं उतरती है। यह तो वही बात हो गई कि अपने घर में नकली फूल रखने वाले बगीचों का शौक होने की बात कर रहे हैं।